महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित सेवाग्राम आश्रम में गांधी कलराज इस विचार मंथन पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान सभागृह में आयोजित मान्यवरों ने वर्तमान में महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों के विषय में हो रहा अप्रचार और युवा पीढ़ी पर उसके पड़ रहे दुष्परिणामों पर भी इस चर्चा सत्र में विचार रखे गए। बाला साहब जगताप भाई के साथ हमारा संबंध बना था जब किसान आंदोलन हुआ था, तो इनसे बातचीत करते हुए इन्होंने भी ये चिंता व्यक्त की कि बहुत से महापुरुष जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे, देश के निर्माण में जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया, और ख़ासकर जो लोग RSS BJP की विचारधारा से अलग रहे, उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें, सफ़ेद झूठ से लेकर सत्य को मरोड़ने की बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। इसमें विशेषकर महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और लोग हैं, उनके और उनके साथियों के बीच में मतभेद की बातें, झूठ बातें बहुत सी कही जा रही थी। तो ये तय हुआ कि यहाँ आके साथियों के साथ मिला जाए, इस बात को देखा जाए कि किस रणनीति के तहत तो क्यों ये लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, सत्य क्या है। तो जो 50,000 बातें कही जाती हैं हर चीज़ का, तो हम लोगों ने आज उल्लेख नहीं किया, लेकिन कुछ उदाहरण देकर ये बातें की किस तरीके से सफ़ेद झूठ बताए जाते हैं और आगे के लिए क्या हम लोग सब मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, सूचनाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करकर, दूसरों को जब कोई सवाल खड़ा हो तो उसका सच बताकर, किस तरीके से हम संगठित होकर इस पूरा जो एक मुहिम चल रही है इन लोगों के खिलाफ उसको काउंटर कर सकते हैं। आपके बारे में जो भी खबरें आपको आती, पहली चीज़ तो ये है कि उसके पीछे का सत्य जाने, और सत्य ये होता है कि कोई अगर आप पे आरोप लगाता है किसी पर या कोई बात कहता है, उसका सबूत पता करें, सबूत का जो तथ्य है उसका कहाँ से आया, वो कैसा है, उसकी प्रामाणिकता देखें, दो चार आसपास के लोगों से पता करें, और अपने आप सच सामने आने लगता है। और ख़ासकर जब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले नहीं सुनी थी, नहीं सुनी है, उनके बारे में अगर मन में जिज्ञासा होगी लोगों की, ये जो एक अजीब सी आदत हो गई है कि जो व्हाट्सएप पे आ जाए, आपको अच्छा लगे या ना लगे उसको स्वीकार कर लो, उसको सच मान लो, उसमें जो भी सबूत मिलते हैं उसको सही मान लो, ये जो एक नई आदत लोगों में पड़ गई है, इसने जो है समाज में गलत भ्रांतियाँ भी पैदा की हैं और एक तरीके से समाज में जो अपनी चेतना और विवेक होता तो उसको बिल्कुल मार डाला है। आज कोई अपने आप से नहीं सोचता, अपने आप से नहीं समझता है, हर चीज़ औरों पर निर्भर रहती है। तो एक तो लोगों में जिज्ञासा पैदा करनी, सवाल पूछने की आदत डालनी, सामने जो भी पूछा जाए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उसको कम से कम उसके पीछे का सच जानना, अगर इस तरीके का चरित्र निर्माण हम लोगों ने लोगों में कर दिया तो हर समाज में आपको 5-10% ऐसे लोग मिलेंगे जो औरों से संवाद करते हैं, बात करते हैं, सत्य को प्रतिष्ठित करते हैं। और ऐसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही वर्षों में ये जो मुहिम चली है अलग अलग संस्थाओं की, संगठनों की, इसको हम लोग परास्त कर पाएंगे। समाजाच्या काही घटकांकडूनच नाही, विशिष्ट संघटना ज्या हिंदुत्ववादी स्वतःला म्हणून घेतात त्या अशा प्रकारचे भ्रम फैलवत आहेत, आणि हिंदुत्ववादी विचारधारेच्या सगळ्या याच्यामध्ये ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यालाच विरोध केला, जे स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये कधीच नव्हते, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या लढ्यालाच विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना झाली, ती लोक महात्मा गांधी असतील किंवा नेहरू असतील किंवा अशा सगळ्या लोकांबद्दल एक विष पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। जी नपुंसक माणसं असतात ते इतिहास घडू शकत नाही, तर ते इतिहासाची तोडफोड करतात, आणि कादंबरी आणि रंजनाचा भाग म्हणजे इतिहास नसतो हे त्या शहाण्यांना माहीत नाही। मला स्वतःला असं वाटतं की आजचं शिबिर जे बाळा जगतापांनी आयोजित केलेलं आहे, हे भ्रम जे काही आहे ते दूर करण्याचा तरुणांमध्ये प्रयत्न आहे।